खाने में नशा वाली चीज खिला के उसको बेहोश करता था, उसके बाद इनको बताता अब तुम पहुंच जाओ। जी सर, खाने में सर 81 की दवाई डाल के वो खिला देता था सर, फिर हमें ले जाता था सर। अच्छा, तो आज तक कितने घरों में लूट चुके, कितने घरों को लूट चुके, कितनी बार जाते थे सर? 2-3 जगह गए हुए सर अभी। शहर के पॉश इलाके की खामोश गलियों में बैठे चौकीदारों को खाने पीने की चीजें पेश करने वाले उनके दोस्त कौन हैं जो दोस्त के रूप में दुश्मन बनकर आए हैं? इसलिए कि खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवाई डालकर घरों का सफाया करना मुकम्मल तैयारी है, और ये एक दिन का नहीं बल्कि रोज का मामूल है कि घरों से लाखों रुपयों के साथ कीमती अशिया और सोना चांदी भी लूट लिया जाता है, जिसका इल्जाम जाता है उन चौकीदारों के सर जो अपनी गुर्बत और बेबसी में डूबे किसी के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत भी पेश नहीं कर सकते। बंगलों से कीमती सामान लूटने वाले डाकू आखिर कौन हैं और उन्होंने मुख्तलिफ घरों से क्या कुछ लूटा है, आज सबके सामने ही आ जाएगा। कराची में जराइम के इतने पहलू हैं कि उन पर सिर्फ बात करने के लिए कई घंटे दरकार होंगे। कुछ मुद्दत से जहां स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है, वहां शहर के पॉश इलाकों और आम घरों में होने वाली चोरियां और डकैतियां भी उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। यहां की पुलिस ने बंगलों में लूटमार करने वाले गिरोह के 5 कारिंदों को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपयों का सामान तो बरामद कर लिया, लेकिन इन डकैतियों के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता था वो आपके लिए किसी हैरत से कम ना होगा। आइए जरा देखते हैं कि वो तरीका क्या था। दोस्त बनकर चूना लगाने वाले ये 5 डकैत पुलिस के हाथों पकड़े ही गए, जिन्होंने डिफेंस और क्लिफ्टन के घरों को अपना निशाना बना रखा था, जहां पहले वो घर के चौकीदारों और ड्राइवरों से दोस्तियां करते और फिर खाने में नशा आवर अशिया मिलाकर उन्हें खिलाने के बाद घरों का सफाया कर देते थे। खारदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को डिफेंस थाने की हदूद के बंगले में होने वाली डकैती की तफ्तीश के दौरान इस गिरोह का सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके इन 5 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ इलाकों के हैं, कोई कश्मीर का, कोई पंजाब का, यहाँ पे आते थे, बेरोजगार थे, रुलते रहे, फिर इनको एक चीटर नवाब मिला। उस नवाब ने इनको इस्तेमाल किया, वो पहले जाता था चौकीदारों से दोस्ती रखता था, दोस्ती रख के उनको खाना खिलाता था, खाने में नशा वाली चीज़ खिला के उसको बेहोश करता था, उसके बाद इनको बताता था अब तुम पहुँच जाओ। जैसे ये पहुँचते थे वहाँ पर ग्रिल वगैरह काट के अंदर घुसते थे, पूरे घर का सफाया करते थे, फिर मुख्तलिफ गाड़ियों में डाल के सामान ये मुख्तलिफ जगहों पे रखते थे। उसके बाद इनसे एक दो आदमी सामान लेके बेचना शुरू करता था दुकानदारों पे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान का गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसका सरगना नवाब मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। ये सरगना एक नवाब, उसके पीछे भी है जो ये नशावर चीज़ें खिला के दोस्ती रख के और उसके बाद चौकीदारों से दोस्ती करके सामान एक घरों से निकालता। गिरोह का सरगना कराची में आने वाले सादा लॉ अफराद को जराइम के लिए अपने चुंगल में कैसे फंसाता था? पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना नवाब कराची में दूसरे शहरों से मुलाजमत की तलाश में आने वाले लोगों को अपने चुंगल में फंसाता और फिर उनके साथ मिलकर वारदातें किया करता था। वो नवाब जो है वो भी मुलाजम है, पहले तो मुलाजम था वहाँ किसी बंगले पे, फिर उसने रक्षा लिया। उसका काम है कि खीर बिरयानी या जो है रोटी वगैरह में वो 81 की गोलियां मिला देता है। कोशिश करता है कि जिस पर मालिक ना हो, सिर्फ चौकीदार हो, तो उसको वो जो है खीर वगैरह में 81 की गोलियां खिला देता है, फिर वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ये जो है रक्षा इनके पास है, ये आते हैं रक्षे में, सब कोई लूट लटा कर ले जाते हैं। चौकीदारों से दोस्तियां करके उन्हें बेवकूफ बनाने वाले मुलजमान पकड़े गए हैं। गिरफ्तारी के बाद उनका क्या कहना था, आप खुद ही देख लें और सुन लें। सर वो हमारा जो सरबरा है सर, नवाब है सर, वो तो वही सर वो करवाता था हमारे से, वही जाके खिलाता था दवाइयाँ चौकीदारों को सर।
फिर जाके हम उठा के रक्शे में उठाता था, फिर हम लोग जाते थे अंदर वारदात करने से। किस तरीके से वारदात करते थे, क्या करते थे घरों में, किस तरीके से दाखिल होते थे? सर गेट क्रॉस किया करते थे सर। कैसे क्रॉस करते थे, क्या करते थे, ये तो बताओ सर। वो जब नवाब जाता था, मतलब कुछ खिलाता था सर वो उसमें खाने में सर, चौकीदार को सर, वो खिला पिला के फिर हमें 3-4 घंटे बाद आके बुलाता था सर, फिर हमें ले जाता था साथ उसके सर। वो सर सो जाता था सर। चौकीदार को क्या खिलाते थे, क्या करते थे सर? खीर खिलाते थे खाना सर। दोस्ती में पहले उसको खीर, दोस्ती में पहले दोस्ती करते थे, फिर उसको खीर खिलाते थे, फिर उसको बेहोश करते थे, कैसे करते थे ये बताओ। जी सर, खाने में सर 81 की दवाई डाल के वो खिला देता था सर, फिर हमें ले जाता था सर। अच्छा, आज तक कितने घरों को लूट चुके, कितने घरों को लूट चुके, कितनी बार जाते थे सर? 2-3 जगह गए हुए हैं सर अभी सर, खैबाने बदर पे की हुई है सर, खैबाने शाहीन पे और आगे तात पे सर। अच्छा, तो लूटा हुआ माल क्या करते थे उसका? वो सर नवाब ले जाता था आगे, वो बेच के फिर हमें पैसे देता था सर। हर वारदात पे तुम्हें कितने पैसे मिलते? वो किसी में 2,000 देता था, किसी में एक में सर 5,000 दिया और एक में जो है ये 2,000 दिया। अच्छा, कितने अरसे से वारदातें कर रहे हो? सर मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा जी सर, तो इस ग्रुप में शामिल कैसे हुए? सर मैं बेरोजगार था, मैं इनके साथ क्वार्टर में रह रहा था, तो वो उस बंदे का मैं भी ऐसे ही शिकार हो गया सर। मुलजिमान बंगलों में कैसे दाखिल होते थे और लूटा हुआ सामान कैसे ठिकाने लगाते थे? मुलजिमान लोगों से सामान लूटने के बाद उसे रक्शे में डालकर ले जाते थे। पुलिस का कहना है कि ये मुलजिमान लोड शेडिंग के दौरान घरों में दाखिल होते थे और उन्होंने 5 से ज्यादा बंगलों में लूट मार का इकरार भी किया है। एक तो ये बंगला देखते हैं कि इसमें लाइट नहीं है, अंधेरा है, ठीक है सर, उसकी फिर बेल वेल बजाते हैं, उसको चेक करते हैं, जब महसूस करते हैं कि ये बंगले में कोई नहीं या सोया हुआ है, तो फिर ये दीवार क्रॉस करके या ग्रिल वगैरह तोड़ कर उसमें दाखिल होते हैं, फिर जो भी मिलता है ये उठा लेते हैं। एक और कार्रवाई में खाराधर पुलिस ने 3 ऐसे मुलजिमान को गिरफ्तार किया जिन्होंने 1 साल कबल खाराधर में प्राइस बॉन्ड की दुकान पर डकैती के दौरान फायरिंग करके दुकान के मालिक को हलाक और गार्ड को जख्मी कर दिया था। 1 साल कबल एक वारदात हुई थी प्राइस बॉन्ड की दुकान पर, उसमें उसका मालिक जो था दुकान का वो मौके पे लाउट हो गया था और उसका चौकीदार जख्मी हुआ था, तो उस वाकये में जो पिस्टलें गई थी दुकान से छीनी गई थी वो इनसे रिकवर हमने की है, तो ये भी हमारी उसकी प्रोग्रेस है। खाराधर पुलिस का कहना है कि कराची के पोश इलाकों में लूटमार करने वाले गिरोह के सरगुना नवाब की तलाश जारी है जो अनकरीब कानून के शिकंजे में होगा। कैमरामैन हसन अली के साथ सालिक शाह, समा कराची। कराची में आजकल कारोबार तो मंदी का शिकार है, मगर जराइम पेशा अफराद का कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुश आमदीद। जिंदगी भर का साथ निभाने वाले कभी कभी जिंदगी के किसी दौराहे पर अचानक किसी और का हाथ थाम कर आपसे अलग भी हो सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो रावलपिंडी के रिहायशी उस खातून से मिलिए जो 2 बच्चों की मां होने के बावजूद किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए शौहर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना बैठी। ये रंग साज इश्फाक है जो घर में रंग का काम करने गया, घर के मालिक की बीवी से तलुकात बना लिए, कत्ल के बाद उकड़ा फरार हुआ मगर कानून की गिरफ्त से ना बच सका।
पुलिस हुकाम के मुताबिक दो खबा के रिहायशी इशफाक रिजवान भट्ट के घर रंग का काम करने के दौरान मुलजम ने इसकी बीवी महरीन से तलुकात कायम कर लिए। महरीन इशफाक के साथ लाहौर चली गई, मगर वापस आई तो शोहर ने इसे दोबारा घर में रख लिया और 3 माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। उनकी बहू जो है महरीन अकरम, वो 3-4 महीने पहले इशफाक नामी लड़के के साथ अगवा हुई थी, 3 महीने रह के वापस आई थी। मुझे उस पे शक था, तो जब उस मकतूल की वालदा से मैंने पूछा कि आप सुबह कितने बजे जागी हैं, उसने कहा जी मैं हर रोज तहज्जुद पढ़ती हूँ लेकिन आज मुझे जाग नहीं आई। पुलिस के मुताबिक 29 जनवरी को महरीन ने इशफाक को कॉल करके इसे बताया इसका शोहर इसे कत्ल करना चाहता है और उसे कत्ल करने के बाद वो तुम्हें भी कत्ल कर देगा, जिसके बाद एक मंसूबे के तहत महरीन ने इशफाक से नशावर गोलियां मंगवाई और रात को सोने से पहले अपने शोहर रिजवान और दीगर घर वालों को वो गोलियां चाय में मिलाकर पिला दी। जब घर के तमाम अफराद गहरी नींद सो गए तो इशफाक भी पहुंच गया, जिसके बाद महरीन और इशफाक रिजवान को मकान की छत पर ले गए और इसका गला दबा दिया। इसके बावजूद रिजवान की सांस चल रही थी, जिस पर महरीन ने इंतहाई सफाकी से उसकी शरक काट डाली और खून में लथपथ लाश को मुल्हिका मकान की छत पर फेंक दिया। उसने कहा जी मैंने कत्ल किया है इशफाक के साथ मिलके, चूँकि ये मुझे हर रोज ताने देते थे और मारते पीटते थे और ये भी कहते थे अनकरीब आपको हम कत्ल कर देंगे, तो मैंने सोचा कि इससे पहले ये मुझे कत्ल कर दें मैंने ये काम कर दिया। गिरफ्तारी मैंने इसके फ़ोन नंबर ट्रेस किए जो ये सिम इस्तेमाल कर रहा था, तो उस पर ये मुझे मिला है। पुलिस को कैसे इल्म हुआ कि कातिल कौन है और उसे कहां से गिरफ्तार किया गया? पुलिस ने जाय वकूआ से मकतूल रिजवान के जिस्म पर लगे खातून के बाल से तफ्तीश का आगाज किया और शक होने पर मकतूल की बीवी महरीन को शामिल तफ्तीश किया तो मुलजमा ने राज उगल दिया कि इसने इशफाक से मिलकर अपने शोहर को कत्ल किया है। तो जब मैं मौका पे पहुंचा तो रिजवान भट्ट मकतूल की लाश वहाँ मौजूद थी, बगौर मैंने उसका जायजा लिया, उसके बदन पर एक जनाना बाल मौजूद था, तो मैं फिर समझ गया कि इनकी बहू इसमें इन्वॉल्व है। तो जब मैंने बहू को गिरफ्तार किया, शामले तफ्तीश किया, तो उसने ये सारा राज उगल दिया। मुलजम इशफाक को थाना वारिसखान पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड की मदद से उकाड़ा से गिरफ्तार किया तो मुलजम ने इंकशाफ किया कि वो उनके घर रंग का काम करता था। जब काम से घर जाता तो महरीन इसे फोन करती कि इसका शोहर इसे मारता है और वो इसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसे कर मुझे गोलियाँ चाहिए नींद की, फिर सर जी मैंने इसे गोलियाँ ला के दी हैं नींद की, इसने वो गोलियाँ सारों को काबे में पिलाई हैं, तो वो गोलियाँ पिला के तो उसके बाद फिर जिस वक्त ये बिल्कुल बेहोश हो गया तो फिर मसम मुंह पे हाथ रख के गला दबा के तो फिर मारा, तो फिर ये इसने ऊपर ले गया, छत पे ले गया, फिर इसने देखा कि हाँ भी उसकी नबस चल रही है, मुझे कहती है इधर ही रहने दो, फिर ये नीचे गई है, फिर ये छुरी लेके आई है, फिर इसने छुरी उसके गले के ऊपर मारी है। तुमने क्या टांगे पकड़ी हुई थी? हाँ जी, मैंने टांगे पकड़ी हुई थी। बात छुरी चलाई है उसने, छुरी चला के फिर साथ ही उसके बाद उसे साथ वालों की छत पे फेंक दिया। पुलिस का मौकफ है कि मुलजम ने मकतूल की गर्दन पर छुरी नहीं चलाई, जब इसकी सांस चल रही थी तो महरीन किचन से छुरी लेकर आई और रिजवान को जिबा करके लाश मुल्हिका मकान की छत पर फेंक दिया और इसे अंधे कत्ल की वारदात का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने मकतूल की वालदा शमीम बीबी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल की दिलखराश वारदात में मुलविस मुलजम की गिरफ्तारी पुलिस का अहसन इकदाम है, मगर अदालत से इन सफाक मुलजमान को करार बाकी सजा दिलवाना भी जरूरी है। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। रेनाला कोर्ट में एक लड़की ने घर से भागकर शादी तो कर ली, मगर उसके बाप और भाइयों की आंखों में खून उतर आया और वो इंतकाम के लिए जिस मौके की तलाश में थे आखिरकार उन्हें वो मौका मिल ही गया। आइए देखते हैं कि उनके इंतकाम का निशाना कौन बना। रेनाला खुट के गांव बस्ती बाबा लाल शाह का रहायशी अब्दुल रशीद कबाड़ की खरीदो फरोख्त का काम करता था। उसने चांद माह कबल 4 सदा के रहायशी मोहम्मद इकबाल खान की बेटी सुम्बल से पसंद की शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसका अपने ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा था और उसे संगीन नतीज की धमकियां भी मिल रही थी। शादी 6 महीने ही हुए ना, तो अदालत ने निकाह करके ले आंदी औरत कर ले आंदी,
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਹ ਕਬਲ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਘਰ ਕੇ ਸਹਿਨ ਮੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਬਾਤਚੀਤ ਮੇ ਮਸਰੂਫ ਥਾ ਕਿ ਉਸਕਾ ਸੁਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਤਾਰਿਕ ਕੇ ਹਮਰਾ ਵਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਤੇ ਹੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਉਨੇ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋ ਅਸਲੇਹ ਕੇ ਬਟ ਮਾਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਮੌਤ ਕੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਆ ਗਾਂਵ ਵਾਲੋ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੁੰਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਕਾਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 15 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਢੁੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰਿਕ ਹੈ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ इतला मिलते ही सिटी रेनाला खुद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के भाई मोहम्मद अनवर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर लाई गई तो वहां कोहराम बरपा हो गया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। मकतूल की बेवा का कहना है कि कातिलों को सख्त सजा दी जाए, जबकि दिगर वसा का कहना है कि पुलिस एक माह गुजर जाने के बावजूद मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने हुण पता नहीं जी की रवैया किया की नहीं, आज 18-20 दिन हो गए ने जी, 20 के पता नहीं 22 दिन हो गए ने। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਕਤੂਲ ਕੇ ਵਰਸਾ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਫਰੇ ਕਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਵਰਸਾ ਕੋ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਰਤਜ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਆਮਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਂ ਰੇਨਾਲਾ ਖੁਰ। ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی کو مشکل سے ہی قبول کیا جاتا ہے، اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس سے جڑے لوگوں کی زندگی ہمیشہ خطرے میں گھری رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv۔ اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما۔